दोस्तों, मेरा नाम राजेश पटेल है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो लेकर आया हूँ या प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि यह सिर्फ स्टोरी नहीं है बल्कि सच घटना है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है। जाहिर सी बात है कि दोस्तों, आप भी सफल होना चाहते होंगे। तो सफल होने के लिए या सफलता को प्राप्त करने के लिए एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। सफलता को प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान को जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत कम लोग ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं और ज्यादातर लोग सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने उस काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी आदतों के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने उस काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी उन आदतों के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि समय समय पर आने वाली चेंजेस या परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो दोस्तों, तब तक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते या सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य के साथ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों, उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। और दोस्तों, हम थोड़ी ही दिक्कतें, थोड़ी ही परेशानियां, थोड़ी ही चुनौतियों के आते ही हम उस काम को छोड़कर वापस फिर लौट आते हैं। ऐसे में दोस्तों, सफलता कभी भी हमारे साथ नहीं आएगी। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जरा सोचिए, क्या ये दिक्कतें, क्या ये परेशानियाँ और ये चुनौतियाँ सिर्फ आपके काम में ही आ रही हैं, आपके जीवन में ही आ रही हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी के काम में वो दिक्कतें, वो परेशानियाँ और वो चुनौतियाँ आती हैं। दोस्तों, आपको यही सब बताने के लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, जिससे आपको देखकर ये मालूम होगा कि हमें भी क्या करना चाहिए या क्या करना है। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं बाज को जरूर देखा होगा, बाज के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी दूरदृष्टि और अपनी पैनी नज़र से शिकार को ढूंढने में माहिर होता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों की मदद से शिकार को दबोचकर या पकड़कर उड़ने में बहुत ही शक्तिशाली होता है। बाज एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ पक्षी होता है जो अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होता है। दोस्तों, बाज की औसतन आयु 70 वर्ष की होती है, जिसमें से बाज के 40 वर्ष बहुत ही आराम पूर्वक या आनंद पूर्वक निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, 40 साल के बाद उस बाज की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि बाज की वह नुकीली चोंच पूरी तरह मुड़ जाती है, जिससे वह शिकार को नहीं पकड़ पाता और ना ही उसे वह खा पाता है। और दोस्तों, उसके पंजों के नाखून पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, जिससे दोस्तों वह शिकार को भी पकड़ नहीं पाता और उसके पंखे उसके शरीर से पूरी तरह से चिपक जाते हैं, जिससे वह आसमान की ऊंचाइयों में भी उड़ नहीं पाता। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में बाज को बड़ा ही कष्ट होता है, उसको कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में बाज करता क्या है? ऐसी स्थिति में बाज मरने के बारे में कभी नहीं सोचता। बाज बल्कि ये सोचता है कि अगर मैंने इन दिक्कत परेशानियां और मुसीबतों को अभी झेल लिया या सहन कर लिया, तो मेरी जिंदगी के 30 साल बहुत ही आनंद पूर्वक निकल जाएंगे या कट जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बाज क्या करता है? बाज किसी एकांत जगह में जाकर और ऊंचाई पर किसी पत्थर पर बैठकर अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर खुद तोड़ता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि उसको ऐसा करने पर उसकी चोंच से बहुत ज्यादा खून निकलता है,
उसको बहुत ही दर्द होता है। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, जिस चोंच से वह खाना खाता था, जिस चोंच से वह शिकार को पकड़ता था, वह शिकार करता था, वह अपनी उस प्यारी चोंच को, अपने इस महत्वपूर्ण अंग को अपने हाथ से खुद ब खुद तोड़ता है। ऐसा करने पर उसे बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है और वह उस मुड़ी चोंच से शरीर में चिपके हुए पंखों या भारी पंखों को नोचता है और अपने मुड़े हुए पंजों से नाखूनों को तोड़ता है। दोस्तों ऐसा करने से उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट व दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये परेशानियां, ये कष्ट और ये दर्द अभी सहन कर लिए व झेल लिए तो मेरी जिंदगी के 30 साल आनंद पूर्वक कट जाएंगे। तो दोस्तों इसके कारण बाज को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि ना तो वह उड़ सकता है और ना ही वह शिकार को पकड़ सकता है, इस कारण से उसे लगभग 5 से 6 महीने उसे एकांत जगह पर पड़ा रहता है। दोस्तों उस 5 से 6 महीने में उसकी एक नई चोंच निकलती है, उसके विशालकाय नए पंख निकलते हैं, उसके पंजों में नुकीले धारधार नाखून निकलते हैं, जिससे वह पहले की तरह नीले आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता है, चोंच और नाखूनों की मदद से शिकार को पकड़ सकता है। दोस्तों जरा सोचिए कि आपको भी आपके काम में ऐसे ही दिक्कत, परेशानियां व चुनौतियां आती हैं जिससे उस काम को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आते हैं? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बाज की इस जीवन की इस सच्ची घटना या कहानी से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने काम को बहुत ही धैर्यपूर्वक करेंगे और आप अपने काम में आने वाली दिक्कत, परेशानियों का सामना डटकर करेंगे। आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे और आप जीवन में मनचाही सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।